फ्रेंड्स, दिस इज सेक्रेट मंत्रास। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ श्री गणेश जी के एक और वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड, इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे और भी सब्जेक्ट सजेस्ट करें ताकि मैं उस पर अपनी वीडियो बना सकूँ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। थैंक यू फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं गणेश जी की सूंड के बारे में। अक्सर हम जब भी गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहते हैं या गणेश जी की फ़ोटो को स्थापित करना चाहते हैं, तो हमने नोटिस किया है कि गणेश जी की सूंड अथवा ट्रंक, जो गणेश जी की सूंड होती है ना, या तो दाई तरफ मुड़ी होती है या बाई तरफ मुड़ी होती है। तो हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि घर में कौन से गणपति की स्थापना करें जो शुभ हो, कौन सी तरफ मुड़ी हुई सूंड शुभ हो। हमेशा हमारे दिमाग में यही सवाल आता है, क्योंकि सीधी सूंड वाले गणेश जी की तो पिक्चर ही नहीं मिलती है, इनके तो दर्शन ही बिल्कुल दुर्लभ है। और इनकी एक तरफ मोड़ी हुई सूंड के कारण ही हम इन्हें अर्थात गणेश जी को वक्रतुंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, गणेश जी की बाई सूंड में चंद्रमा का और दाई में सूर्य का प्रभाव माना गया है। सीधी सूंड वाले गणपति के दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। ऐसी मूर्ति की आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडली जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है और संत समाज ऐसी मूर्ति की ही स्थापना करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अभी बाई तरफ सूंड होती है उसका क्या प्रभाव है। बाई और मुड़ी सूंड वाले गणपति ईड़ा नाड़ी व चंद्र प्रभावित माने गए हैं। ऐसी मूर्ति की पूजा, मूर्ति की अथवा तस्वीर की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय उन्नति, संतान सुख, विवाह, कोई भी सृजन कार्य, कोई भी हम निर्माण कर रहे हैं वह सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली के लिए। और दाई और जो घूमी हुई सूंड होती है ना, उनका पूजन किसके लिए करते हैं? उनका पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी होता है। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दाई और सूंड मुड़ी हुई है गणेश जी की, और इसीलिए इस मंदिर की आस्था और सभी गणेश मंदिरों से आज पूरे शिखर में है इनकी आस्था। फ्रेंड्स, तो घर में आपको अगर स्थापना करनी हो गणेश जी की, तो उसके लिए ये दाई और जो सूंड होती है गणेश जी की, वही सबसे शुभ होती है। और दाई सूंड वाले गणेश जी को हम क्या कहते हैं? सिद्धिविनायक। इनके दर्शन से तो हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमारे घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको घर में स्थापना हमेशा के लिए स्थापना करनी है गणेश जी की प्रतिमा की या तस्वीर की, जो भी हो, तो हमें दाई ओर वाले गणेश जी, दाई ओर मतलब दाई सूंड, दाई तरफ सूंड मुड़ी होनी चाहिए, वैसे गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। और यदि घर के दरवाजे पे मतलब मुख्य द्वार पर गणेश जी की स्थापना करते हैं तो बाई ओर घूमी होनी चाहिए सूंड, बाई और घूमे सूंड की गणेश जी की स्थापना हम अपने दरवाजे के ऊपर कर सकते हैं मुख्य द्वार पे। इसका तर्क यह है कि जब भी हम बाहर से जब लौटते हैं, हमारे घर में वापस आते हैं मतलब, तो हम बाहर की कई बलाएं, कई निगेटिव एनर्जी हमारे साथ में आ जाती है। तो घर में प्रवेश करते समय क्या होता है, गणेश जी के प्रभाव से सभी घर के बाहर ही रुक जाती है ये सभी निगेटिव एनर्जी, सब जो भी बुरी बलाएं, सब गणेश जी के कारण, गणेश जी के प्रभाव से सभी निगेटिव एनर्जी घर के बाहर ही रुक जाती है और घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। ओके फ्रेंड्स, और अब आप बात करेंगे दिशा की, कौन से दिशा में गणेश जी की स्थापना करें। तो फ्रेंड्स, हमेशा गणेश जी की मूर्ति या फोटो पूर्व या पश्चिम की दीवार पर ही लगानी चाहिए या उस दिशा में रखें, और घर के दरवाजे में घुसते हुए दिशा में भी लगा सकते हैं, इससे घर में कोई भी बुराई या निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। ओके तो फ्रेंड्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, दिस इज सेक्रेट मंत्रास।